हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य और दी सुपर क्रिएशन में आपका दिल से स्वागत है। और आपने ओबोच्चामा कुन का नाम तो सुना होगा कि रिसेंटली ये सोनी ये में टेलीकास्ट हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा शो चल रहा है। खैर, बहुत लोग इसे बोल रहे हैं ये शिनचैन की कॉपी है। एक्चुअली कॉपी है या नहीं तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन ये शिनचैन का रिच वर्जन #शिनचैन रिच वर्जन प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस दी बोर्ड कैरेक्टर शिनचैन, जो 1990s के समय मांगा में फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था और ये इतना चला कि 2 साल बाद इस पर एनिमे बन गया। वैसे ये रिटर्न किया गया था युसुदी ओसनी के और ये टेलीकास्ट हुआ था आंसू ही टीवी पर। और इसके बाद की पॉपुलैरिटी इतनी गई कि इसके बहुत सारे एपिसोड बने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट वी कम ऑन ओबोच्चामा कुन, जो मांगा में फर्स्ट टाइम आया था 1986 में, जो रिटर्न किया गया था कोबायसी योशिनरी के द्वारा। और ये तो शिनचैन से पहले ही असलियत में बन चुका था। देखा जाए तो कई सिमिलैरिटीज मिलती है, लेकिन वो हम लोग ओन पर्सपेक्टिव टूवर्ड देखते हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए इसे टेलीकास्ट कौन सी कंपनी ने किया था, वह आसीन एल एनिमेशन ने 1989 को, क्योंकि ये काफ़ी हद तक पॉपुलर चली थी जापान में। और जापान में ज़्यादातर अनरियलिस्टिक कॉमिक्स बनती है, तो इसलिए उसको यूएसए वाले कॉमिक्स से कभी ना कंपेयर करें, मार्वल डीसी और वहाँ से। तो खैर, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, मतलब डिफरेंट रैंकिंग में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लॉट, हाँ हम लोग इनके प्लॉट को देखते हैं। ओबोच्चामा कुन, जो एक रिच बंदा है, मतलब वो अपने सुनियो से भी रिच है। ओबीओ ग्रुप नाम की उसकी कंपनी है और उसका सरनेम ओबीओ है, अचाम उसका नाम है, द चामा उसका नाम है। तो यहाँ पर वो एक रिच बंदा होता है और काफ़ी हद तक इसे रिच वर्जन ऑफ शिनचैन भी कहा गया है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उसी की तरह शरारती करता है, मस्ती करता है, लेकिन इसके पास कई हाईटेक है। एक एपिसोड में तो अपनी माँ से ये एक पास्ट में जाके मिला भी था, मतलब एक ही बार इसकी माँ को दिखाया गया था पूरे होल सीरीज़ में, मतलब कह सकते हैं सारे एपिसोड में। तो इन्हें टाइम ट्रैवल किया था, तो इसे ये समझ सकते हैं इसको कितना ज़्यादा किया गया है आगे, मतलब ये उतना ही ज़्यादा नहीं है शिनचैन की तरह जितना आप सोचते हैं। और जहाँ तक हम लोग शिनचैन की बात करें, तो शिनचैन ऐसा शो जो 5 साल के बच्चे के ऊपर आधारित है और ये करता है मजाक मस्ती जोक्स और ऐसे सबको सताते रहता है और कई बार खुद भी सता जाता है। और एक शिनचैन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो किसी सबको सताता है, लेकिन एक कैरेक्टर को नहीं सताता और एक कैरेक्टर उसी को हमेशा सताते रहता है, वो कैरेक्टर है बू को ये कभी नहीं सताता, ये एक फैक्ट है। और सीमा वाड़ी ये ऐसी एक कैरेक्टर है जो शिनचैन को बहुत अच्छे से उसके नाक में दम कर सकती है, करती है। तो एक फन फैक्ट भी बता दिया आपको, तो आपको जनरली इसका ज़्यादा पता है तो मैं इसका उतना डीपली नहीं घुसूंगा और आगे कंपेरिजन की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड्स, हाँ शिनचैन के टोटल एपिसोड 1077 है और 3 सीजन आ चुके हैं उसके। भाई बहुत अच्छे शिनचैन बाबा, और 26 मूवीज भी इसके बन चुके बाबा। लेकिन मैं एक ओबोच्चामा कुन के 164 एपिसोड्स अब तक एयर्ड हुए हैं, लेकिन इसके टोटल एपिसोड है 328 जो बनाए गए थे, लेकिन जापान में से एयर नहीं किया गया, क्योंकि इसका एक सडन रीज़न मैं दे सकता हूँ कि इसे सेंसर्ड किया गया था। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा था, 13 से कम वालों के लिए बहुत ज़्यादा 18+ कंटेंट था, सिंपल ज़्यादा 18+ और सेंसरिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसी कारण इसे जापान में एयर करना बंद कर दिया गया। और इंडिया में सिर्फ इसके 40 एपिसोड वही काट छाट के हिंदी डब करके लाए गए हैं। तो सोच सकते हैं कि ये आगे क्यों नहीं ग्रो हो पाया। फाइनल पॉइंट, मुझे पता है मैं फाइनल पॉइंट बहुत जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो ओबोच्चामा कुन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी, ना कि कोई और प्लेटफॉर्म में बेटर वे में। लेकिन अगर आपको ओबोच्चामा के सारे एपिसोड देंगे 328 एपिसोड, तो आप अमेजोन प्राइम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारे एपिसोड अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात है कि ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी खुद में डिफर है और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ को कंटेन करते हैं, बट हम लोग का क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन लगता है। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आपको बता दूं, जो चीज़ हमसे ज़्यादा सिमिलर होती है जो वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, मेजॉरिटी ऑफ लोग मिडिल क्लास है, ऑब्वियस मैं भी हूँ। तो शिनचैन ज़्यादा लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि शिनचैन भी एक मिडिल क्लास है और बदमाशी करते हुए और नॉटीनेस को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ट्विट, और सिंपली समझा ज़्यादा सिमिलैरिटीज और ज़्यादा हम लोग से कनेक्ट करने के कारण शिनचैन बेटर है।
हर एक वे में ओबोचामा कैंसिल है। ओबोचामा कैन भी काफ़ी अच्छा शो है, बट मैंने बताया ना इसे एयर नहीं हो पाया जापान में, मेन सेंटर में ही एयर नहीं हो पाया, तो बाकी कंट्री में ला के थोड़ी ना उसके ज़्यादा एपिसोड बना दिए जाएंगे, इसलिए ये पॉपुलर नहीं बन पाया इतना और बहुत अंडररेटेड ये रह गया, इसलिए इसके एपिसोड अब बनते भी नहीं हैं, बस कुछ कंट्रीज से अडॉप्ट करे वो भी छाटे हुए एपिसोड्स। तो खैर इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर कहीं से भी नहीं आएंगे तो प्लीज़ जो लाल बटन दिख रहे ना उसको ग्रे बना दिए, बनाते नहीं आप लोग। और अगर मुझसे ज़्यादा खुश हो गए तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझसे DM कर सकते हैं। तो तब तक लिए बाय।